हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग हैं छपरा जंक्शन पे। तो अभी हम लोग जाएंगे कॉलेज पे, वहाँ पे कुछ काम है। चलिए मिलते हैं कॉलेज पहुँच। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा मेरे लेटेस्ट वीडियोज को देखने के लिए। फ्रेंड्स, फाइनली अभी हम लोग अपने कॉलेज पे पहुंच गए हैं। अभी आपको हम दिखाते हैं कॉलेज। हम लोग कॉलेज में आ गए हैं और ये देख सकते हैं, आते आते मेरे फ्रेंड मिल गए हैं। ये मेरे फ्रेंड 11th में हम लोग साथ में पढ़ते थे और उसके बाद लॉकडाउन से अभी हम लोग का दोस्ती टूट गया था, लेकिन फिर वापस हम लोग मिल गए हैं। इनका नाम बादल है। देखिए, हमारे दोस्त हैं, अच्छे यूट्यूबर आगे जाके बनेंगे। तो आप लोग इनको चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। और ये देखिए, और भी हमारे ये फ्रेंड्स हैं। ये हमारा कॉलेज का व्यू दिखा रहे हैं लोग। फाइनली हम लोग का कॉलेज का काम हो गया है। अब हम लोग जा रहे हैं फिर यहाँ से हैं। इनका अभी काम नहीं हुआ है तो ये अब कॉलेज में अभी रुके हैं। तो चलिए बादल, फिर हम लोग चलते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर भेंट होगा आपसे। बाय। ठीक है। सभी हम लोग छपरा आए थे तो मौसम ठीक था, लेकिन अभी देखिए फ्रेंड्स, पूरा मौसम खराब हो गया है छपरा का। पूरा आप देख सकते अभी बारिश आने वाली है। ये देखिए छपरा का, हम आपको दिखाते हैं मौसम का हाल। अभी हम लोग आ रहे थे और रास्ते में ही बारिश आ गया, और अभी हम लोग इस रूम में छिपे हुए हैं और बारिश बहुत तेज है। तो दोस्तों, छपरा में बारिश होने के बाद आप ये रोड की स्थिति देख सकते हैं, कैसी स्थिति हो गई है रोड की।
अपने घर पे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कर दीजिएगा मेरे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। और अगर आपने अभी तक मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए और जाके वहाँ से हमको फॉलो कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।